उसमें कुछ एक शब्द था, उसका कैरेक्टर थे, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। जब कुछ एक शब्द को देखते हैं हम, जिसे आउटोसियस है या हेट्रोसियस है, तो इस सब का मतलब आपको पीछे आएगा, आगे आएगा कि आउटोसियस है, हेट्रोसियस है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये सब जो शब्द हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उन शब्दों का उपयोग आगे के क्लासेस में होगा। आउटोसियस का मतलब बताए थे कि फंगस जो है ना, उसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर पूरा हो, तो उसको बोलते आउटोसियस। लेकिन अगर अलग-अलग दो होस्ट पर पूरा हो तो उसको कहते हेट्रोसियस। इस तरह से जो है ना दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो एक शब्द आएगा होमोथैलिक माइसीलियम, हेट्रोथैलिक माइसीलियम। माइसीलियम के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे देखे थे कि वो जो आपका फंगस होता है उसका बॉडी थ्रेड लाइक होता है, और उस थ्रेड लाइक बॉडी को हम लोग हाइफा कहते हैं। कई हाइफा एक साथ जो है ना एक ग्रुप बनाता है, बंडल बनाता है, और उस बंडल को ही कहते हैं माइसीलियम। अर्थात फंगस का जो बॉडी होता है वो आपका बंडल के रूप में पाया जाता है, और उस बंडल को ही क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जैसे आप लोग तार को देखते होंगे, वायर, वो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, उसमें आप केबल जानते होंगे या वायर जानते होंगे, उसमें देखे होंगे कई पतले पतले तार जो है ना आपस में मिलकर एक जो है ना वो मोटा सा वायर को बनाता है, और सब के सब मिलकर एक एक तार कहलाते हैं। कुछ हद तक यही स्थिति यहाँ भी है, वो जो पूरा वायर है ना उसको माइसीलियम कह रहे हैं। ये अलग बात है कि वो जो वायर आप देख रहे हो जिसमें ढेर सारे पतले पतले जो है ना मेटल के तार होते हैं, चाहे तो एल्यूमिनियम के चाहे कॉपर के, वो जो तार है अंदर में उसको आप हाइफी समझ लो यहाँ पर। और वहां पर जो है कवर है, बाहर से प्लास्टिक का कवरिंग होता है उस वायर में, लेकिन यहाँ जो होता है माइसीलियम, बाहर से कोई कवरिंग उस पे नहीं होता है। तो यहाँ पर माइसीलियम आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ढेर सारा हाइफी किसी फंगस का एक जगह पर जमा रहता है, एक बंडल के रूप में रहता है, तो उसको कहते हैं माइसीलियम। और अब होमोथैलिक माइसीलियम किसको कहेंगे, हेटेरोथैलिक माइसीलियम किसको कहेंगे? अगर आप थोड़ा बहुत भी पीछे के क्लास में जानते होंगे या पढ़े होंगे, उसको थोड़ा सा री करते पहले देख लेते हैं। मोनोसियस और डायोसियस शब्द आया होगा। मोनो मतलब एक, ओसियस मतलब घर, डाई मतलब दो, ओसियस मतलब घर। अर्थात जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग रहे और दोनों एक ही बॉडी पर रहे, मतलब एक ही घर में रहे, तो इसको बोलते हैं मोनोसियस। मोनो मतलब एक, ओसियस मतलब घर। लेकिन जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग जो है ना बॉडी पर रहे, पैरेंटल बॉडी पर रहे, तो उसको कहते हैं डायोसियस कंडीशन। डाई मतलब दो, ओसियस मतलब घर, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रमशः क्रम के रूप में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब यहां पर होमोथैलिक का मतलब क्या होगा? होमोथैलिक का मतलब वैसा आपका फंगस, वैसा फंगल बॉडी जिसमें एक ही फंगल बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, अर्थात वो सिर्फ सिर्फ फर्टाइल होता है। उदाहरण में है पेनिसिलियम, उसको दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे माइसीलियम का या फंगल बॉडी का जरूरत नहीं होगा, उसमें मेल और फीमेल खुद एक ही में है, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइज वहां पर गैमिट बना के फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, दिखा देंगे। नेक्स्ट जो है हेटेरोथैलिक, डायोसियस माइसीलियम, मतलब दो अलग अलग माइसीलियम पर मेल और फीमेल हैं, अर्थात अगर अकेले एक माइसीलियम को छोड़ दिया जाए तो वह स्टराइल जैसा काम करेगा, वो आपका फर्टिलाइजेशन में शामिल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। दोनों का उदाहरण दिए हैं, होमोथैलिक होता है पेनिसिलियम का उदाहरण, पेनिसिलियम उसका उदाहरण है,
जबकि हेटेरोथैलिक माइसिलियम का उदाहरण है म्यूकर मैसिडो या म्यूसुडो। नेक्स्ट जो है ना रिप्रोडक्शन इन फंजाई का बात करते हैं। फंजाई का जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों प्रकार से होता है, वेजिटेटिव से भी, एसेक्सुअल से भी और सेक्सुअल से भी। वेजिटेटिव आपको पहले भी बताए थे कि वेजिटेटिव का मतलब होता है डायरेक्ट बॉडी जो है ना वो नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाए या नया ऑर्गेनिज्म बना दे, जबकि एसेक्सुअल जो होता है उसमें स्पोर्स का बात होता है या वैसी रचना का बात होता है जो स्पोर जैसा होता है। यहाँ पर जो वेजिटेटिव है उसमें आपका कुछ एक मेथड्स है जिसके द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। उसमें पहला है फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें बॉडी जो है ना वो बाहरी कारणों से या आंतरिक कारणों से कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है अंततः विकसित होकर डेवलप होकर पैरेंट लाइक बॉडी बनाता है। अगला है फीजन। फीजन पीछे से हम लोग कई बार देखते आ रहे हैं। फीजन का मतलब क्या होता है कि पैरेंटल बॉडी डिवाइड हो जाता है या कई जो है ना छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाता है और प्रत्येक हिस्सा जो है करीब करीब एक दूसरे का समान होता है और अंततः उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो आपका फीजन होता है यहाँ पर वो आपका सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन से होता है। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग जो होता है उसमें बर्ड्स बनेगा, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक छोटा सा उभार निकलता है बॉडी से और वो जो छोटा सा उभार या अनइक्वल जो हिस्सा निकलता है बाहर वो हिस्सा अंततः विकसित होकर अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और पेरेंट जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इस घटना को कहेंगे बडिंग। ठीक है, अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें समांतर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसमें स्पोर्स प्रमुख होते हैं। स्पोर्स जैसा और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको ये बनाता है और उससे अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई बताए आपको तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समांतर स्पोर्स मुख्य रूप से बनते हैं, खास करके लोअर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे फंजाई है, अल्गी है, ये सब में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो तो स्पोर्स प्रमुख रूप से शामिल होंगे। यहाँ जो फंजाई होता है उसका बॉडी हैप्लॉयड होता है। आपको अगर याद होगा पीछे तो शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था कि फंजाई जो होता है उसका जो सोमेटिक बॉडी होता है या सेल वो आपका हैप्लॉयड होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को रखता है, एक जैसा एक ही तरह एक 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 तरह का क्रोमोसोम एक ही होते हैं उसमें। वो क्या करता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाता है स्पोर्स और वो किसके मदद से बनाता है माइटोसिस के मदद से। माइटोसिस के मदद से बनने के कारण उन स्पोर्स को माइटोस्पोर्स कहते हैं। माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनता है और क्रोमोसोम के संख्या में कोई चेंज नहीं होता। अर्थात अगर हम लोग में 46 क्रोमोसोम है और हमें माइटोसिस अगर होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाएगी 46 ही रह जाएगी, वो चेंज नहीं होगा। अब स्पोर्स जो है ना वो अंततः पैरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ना परसिस्ट करता है और बॉडी को बचा के रखता है, लेकिन अर्थात ये पेरिनेशन में भी मदद करता है। ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पेरिनेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वो आपका डेवलप हो जाएगा। चूंकि ये स्पोर्स फंजाई का है तो यहां पर क्या करेगा नया माइसिलियम बनाता है। अब
इसमें जो आपके एसेप्टिक रिप्रोडक्शन जो है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स है या बनते हैं। एक है जू स्पोर्स जो होता है, जैसा कि नाम है, जू मतलब एनिमल, स्पोर्स मतलब एनिमल जैसा स्पोर्स, इसका मतलब है वैसा स्पोर्स जो मोटाइल होगा अर्थात जिसमें फ्लैजला होगा या फ्लैजलम होगा। ये जो जू स्पोर्स होता है वो समांतर एक्वेटिक फॉर्म में बनता है, मतलब वैसे आपके पंजाई में बनता है जो वाटर के नजदीक रहते या वाटर में भी कुछ एक रहते। यह समानता इंडोजिनस होता है ओरिजिन में। इंडोजिनस का मतलब होता है सेल के अंदर बनता है। ये दो शब्द बार बार आएगा, एक्सोजिनस और इंडोजिनस, हम पहले भी बताए थे फिर बोल दे रहे। इंडोजिनस अगर आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडो मतलब अंदर, जीनस मतलब निर्माण, फॉर्मेशन। तो वैसा निर्माण जो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको कहेंगे इंडोजीनस। लेकिन जो बॉडी के सरफेस पे होता है या सेल के सरफेस पे होता है उसको कहेंगे एक्सोजीनस। ये जो जू स्पोर होता है वो सेल के अंदर बनता है क्लीवेज से या उसके 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 न्यूक्लियस के डिवीजन से, अतः इसको इंडोजिनस कहते हैं ओरिजिन में। और ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे यूनिफ्लैजिलेट या बाइफ्लैजिलेट। यूनिफ्लैजिलेट समांतर सिंसाइटियम में आपको नजर आता है, जबकि सेप्रोलेग्निया में आपको या पाइथियम में आपको बाइफ्लैजिलेटेड आपको जू स्पोर्स नजर आता है। सेप्रोलिग्निया जो है उसमें दो प्रकार के स्पोर्स देखे जाते हैं, एक प्राइमरी जू स्पोर और एक सेकेंडरी जू स्पोर। एक ही आपका ऑर्गेनिज्म है सेप्रोलिग्निया, ठीक है, और पाइथियम अलग है, ध्यान रखिएगा। तो सेप्रोलिग्निया में बता रहे हैं कि आपको दो प्रकार के जू स्पोर समांतर नजर आते हैं, एक को हम लोग प्राइमरी जू स्पोर बोलते हैं जबकि दूसरे को सेकेंडरी जू स्पोर बोलते हैं। ये जो प्राइमरी जू स्पोर होता है उसको पियर शेप होता है, नाशपाती जैसा होता है, या इसको पायरीफॉर्म भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी जू स्पोर जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है या बीन शेप्ड होता है, मतलब तो थोड़ा कर्व्ड ना? आप देखे होंगे सेम जो होता है बीन, उसके बीज के जैसा समानता ये जो है ना आपको इसमें जू स्पोर बनता है। दोनों में थोड़ा और अंतर है, पहला तो हो गया अंतर कुछ ही में बाबू शेप में, एक पियर शेप और एक कैसा किडनी से या बीन से। दोनों में फ्लैजला दो दो होता है लेकिन फ्लैजला के स्थान में अंतर होता है। ये जो प्राइमरी जू स्पोर होता है उसमें फ्लैजला एंटीरियर एंड में पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी जो जू स्पोर होता है उसमें फ्लैजला लेटरल साइड में पाया जाता है। तो ये आपको जू स्पोर के बारे में बता रहे थे। जू स्पोर दिमाग में आ जाना चाहिए, एनिमल लाइक स्पोर मतलब मोटाइल स्पोर, ध्यान रखिएगा मोटाइल मूवेबल, वैसा स्पोर जो मोबाइल हो, मूवेबल हो, ठीक है, जो आपका मोटाइल हो, मूव कर सकता हो, उसको कहते हैं जू स्पोर। समांतर जू स्पोर हमेशा उस समय बनता है जब कंडीशन नॉर्मल होता है, पानी जो है ना काफी मात्रा में होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, तब इसका निर्माण समान रूप से होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते वो है आपका दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिससे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और उसका नाम है आपका क्या, स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजियो स्पोर्स जो होता है वो आपका थीन वाल्ड होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि इंडोजिनस इसका भी निर्माण होता है। तो जू स्पोर इसमें अंतर क्या है, तो जू स्पोर जो है ना, जू स्पोर जो है
आप जो स्पोर आपका कैसा होता है, मोटाइल होता है, लेकिन स्पोरेंजियो जो स्पोर होता है वो आपका मोटाइल नहीं होता, मूवेबल नहीं होता। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम आगे जो बात करते, ये जो है ना, ये भी इंडोजिनस होता है लेकिन ये स्पोरेंजियम में बनता है, और वो जो है ना वो स्पोरेंजियम में नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते, ये आपका फेवरेबल कंडीशन में ये भी बनता है लेकिन इसमें फ्लैला नहीं होता। इसका कॉमन उदाहरण है आपका कॉर्न म्यूकर। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है वो आपका, वो भी आपका नन मोटाइल होता है, लेकिन कोनिडिया और स्पोरेंजियो जो फोल है उन दोनों में क्या अंतर है? वो जो आपका स्पोरेंजियो जो कोर है या स्पोर्स है वो आपका नन मोटाइल था, ये भी नन मोटाइल है, वो भी थिन वाल था, ये भी थिन वाल है, लेकिन इसमें ये एक्सोजिनस होता है और ये समांतर कोनिडियो फोर के टिप पर बनता है, मतलब बाहर बनता है, जबकि वो क्या था, एक आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं उसमें अंदर बनता था और चेन के रूप में ये अरेंज रहता है, जबकि वो जो है ना समूह में आपका बनता है। तो दोनों में अंतर जो है ना थोड़ा सा समझिएगा, फिगर से देखेंगे आगे बढ़ के, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। अब हम क्लेमाइडो स्पोर्स का बात करते, जो चौथा है क्लेमाइडो स्पोर्स का बात करते, क्लेमाइडो स्पोर्स जो है उसमें आपका ये आपका हाइपी थे जो सेल होता है, मतलब कि जो हाइफा होता है, आपको बताए थे कि जो फंगस होता है उसका सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हाइपी बोलते हैं। तो हाइपी सेल जो है ना वो थिक वाल हो जाता है, रेस्टिंग रेजिस्टेंट स्पोर में बदल जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और एपेरिनेशन में मदद करता है, मतलब खुद को खराब समय में बचाए रखने में मदद करता है, और ये आपका राइजोपस में कॉमनली नजर आता है। अब कुछ एक फिगर से ही सबको समझ लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर में जू स्पोर्स है। जू स्पोर्स आपको बताए थे कि एक फ्लैजिला वाला हो सकता है या दो फ्लैजिला वाला हो सकता है। ये देखिए ये एक फ्लैजिला का है जू स्पोर्स, जबकि बगल में नीचे देखिए वो आपका दो फ्लैजिला का स्पोर्स है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा था भाई? तो सेल 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 के अंदर होता है और उसमें से बाहर निकलता है, जो स्पोरेंजियम कहते हैं उसको। जबकि स्पोरेंजियो स्पोर्स का जो निर्माण होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है और उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोर का एंजियम, एंजियम मतलब घर, हाउस, ध्यान रखिएगा। एंजियम जहां भी लगा हुआ होगा उसका मतलब घर होगा, मतलब रचना होगा, और स्पोर का मतलब तो आपको बताया माइन्यूट स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वो आपका स्पोरेंजियम में माइटोसिस के द्वारा बनता है। यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे डंठल जैसा रचना है जिसको स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। स्पोरेंजियो फोर का जो है ना अगला हिस्सा ये स्वेलन होकर स्पोरेंजियम बनाता है, लेकिन स्पोरेंजियम में कुछ इनर्ट एरिया होता है, मतलब वैसा एरिया जहां पर स्पोर्स का निर्माण नहीं होता, और इस एरिया को कॉलुमेला कहते हैं। ये जो इनर्ट एरिया है मतलब नॉन स्पोरोजिनस एरिया है स्पोरेंजियम के अंदर, और ये डंठल का जो है ना डंठल जैसा नजर आता है अंदर में घुसा हुआ, इसको कहते कॉलुमेला। तो कॉलुमेला जो है ना वो आपका क्या है, नॉन स्पोरोजिनस जो है ना रचना है या स्ट्रक्चर है जो स्पोरेंजियम में पाया जाता है, कहाँ पर, जहां पर वो स्पोरेंजियो फोर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर और बगल में नीचे आते हैं, एक ओइडिया का बात है। ओइडिया में आप क्या देख रहे हो कि जो हाइफा है ना उसका आपका सेल टूट टूट कर अलग होता जा रहा है और वो आपका स्पोर्स जैसा काम करता है।
जबकि हम क्लेमाइडोस्पोर्स में देखते हैं कि देखो वो जो आपका पूरा हाइफी है, ये पूरा क्या हो गया, यहां से वहां तक नीचे तक थ्रेड है, बॉडी है, उसमें पार्टिकुलर सेल्स या रीजन जो है ना वो थिक वाल हो जाता है, और ये आपका एक स्पोर्स जैसा काम करता है जिसको कहते हैं क्लेमाइडो स्पोर्स। डायरेक्ट बॉडी ही यहां पर क्या हो गया, स्पोर्स जैसा बदल गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला जो चित्र है इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो है ना ये आपका पेनिसिलियम में समानता नजर आता है ऐसा। वो जो आपका हाइपी था, हाइपी ऊपर की तरफ वर्टिकल जो है ना उभार करता है, जिसको हम कोनिडियो फोर कहते हैं, जिसको कोनिडियो फोर कहते हैं। ये जो है ना हाइपी का क्या है, वर्टिकल जो है ना वो आपका बॉडी से जो आपका सबस्ट्रेटम है उससे वर्टिकल जो है ना ऊपर की तरफ निकला हुआ उभरा हुआ रीजन होता है, वो आपका ब्रांच हो जाता है जिसको हम रैमी बोलते हैं। तो रैमी क्या है, कोनिडियो फोर का ब्रांच ही है, एक को रैमस बोलेंगे, यहाँ पर दो है रैमी। अब वो जो रैमी है उसमें भी कई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते, मेटुली बोलते। ये जो आपके मेटुली है उसके ऊपर में जो है ना स्वेलन आपका वो कुछ हद तक ट्वाय जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसको बोलते हैं एस्टेरिग्माटा। इस एस्टेरिग्माटा जो है इसके अगले हिस्से से, एंटीरियर हिस्से से क्या होता है, छोटे छोटे जो है ना वो आपका टुकड़े के रूप में वो टूट टूट कर निकलता है, स्पोर्स बनता है। तो यहाँ पर देखो इसका निर्माण कैसा है, एक्सोजीनस है, बाहर से बन रहा था, लेकिन स्पोरेंजियम जस्ट इसके ऊपर में जो है फिगर उसमें देखिए स्पोरेंजियम में स्पोर्स कहाँ बना, अंदर में बना। हाँ, जू स्पोरेंजियम में आ जाइए, इसमें आपका जू स्पोर्स बना, कहाँ बना, अंदर में बना। तो ये कैसा हो जाएगा, इंडोजीनस। लेकिन ये जो आप देख रहे हो कोनिडिया का निर्माण या ओइडिया का निर्माण, ये सब आपका देख रहे होंगे बाहर से बन गया है। तो ये आपका कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग देख रहे थे किसका बाबू, वो आपका ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर था जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसमें फंगस में, और उसमें आपका क्लेमाइडोस्पोर्स क्या था वो आपको हम बताए। ये आपका जो ना पूरा का पूरा जो हाइफी था उसमें से कुछ एक जो है ना रीजन आपका ठीक होकर क्या बनाता था, क्लेमाइडोस्पोर्स बनाता था। नेक्स्ट हम लोग बात करते, अब आगे यहां आते, इसको जो है ना इसको हम अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद बताएंगे। तो आगे यहाँ पर आ जाइए, ओइडिया के बारे में आपको बता ही दिए थे कि नन मोटाइल है, थिन वाल स्पोर्स है, और ये जो डेवलपिंग होता है इसका वो होता है शुगर रिच मीडियम में होता है। ये आपका बडिंग कंडीशन इसका जो होता है, मतलब जिस समय इसका निर्माण होता है ओइडिया का, उस स्टेज को कहते हैं टोरुला स्टेज। इसको ध्यान रखिएगा, टोरुला स्टेज को। तो टोरुला स्टेज क्या है, वो आपका पार्टिकुलर स्टेज है एक लाइफ साइकिल का, जिस समय जो हाइफी है उससे ओइडिया का निर्माण होता है। अब नीचे हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, वो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स के निर्माण के द्वारा होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगा तो जिस स्ट्रक्चर से होगा, जिस रचना से होगा, उसको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी जो है ना वो हाइफी का या माइसिलियम का वो हिस्सा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या स्पोर्स बनाता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो आपका मियोसिस के द्वारा बनता है जाइगोट में, अतः उसे मियो स्पोर्स कहते हैं, और इस तरह के मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो मियोसिस होता है वो कैसा होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, और जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे का सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, मियो स्पोर्स कहते हैं। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन पहले होगा
यूनियन ऑफ गैमिट्स या न्यूक्लियस पहले होगा, और जो मियोसिस है वो आपका जाइगोट बनने के बाद होगा। तो यहाँ पर मियोसिस कैसा होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। जो भी आपका फंगस होगा वो सब में मियोसिस जो होगा वो कैसा होगा, जाइगोटिक होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जिसमें आपका कुछ एक प्रमुख आपका जो है उसका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक है ऊ स्पोर्स, जो काफी जो है ना आपका फेमस होता है, तो एक ऊ स्पोर है। दूसरा है एस्को स्पोर्स, और तीसरा है बेसिडियो स्पोर्स। ऊ स्पोर्स जो है ना समान स्पोर्स होता है, एस्को स्पोर्स जो है ना एस्कस में बनता है, जबकि बेसिडियो स्पोर्स जो होता है वो भी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो ऊ स्पोर्स को ज्यादा जो है ना समस्या नहीं होना चाहिए, और सामान्य जो है ना स्पोर्स होता है, जबकि एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स को आपका खास प्रकार का होता है। थोड़ा सा पीछे के फिगर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना एक फिगर था जो हम लोग पीछे देखे थे। देखो एस्कस आपका जो उसका हाइफी होता है या हाइफा होता है, उसके पार्टिकुलर सेल जो है ना वो आपका स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, और उसको कहते हैं एस्कस। इसको हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर्स नहीं कह रहे, क्योंकि स्पोरेंजियो स्पोर्स जो था उसमें आपका ढेर सारा स्पोर्स बना था, वो एसेक्सुअल था, जबकि ये जो है ना सेक्सुअल होगा। मतलब ये सारे के सारे जो स्पोर्स बने हैं वो आपके यहाँ पर मियोसिस से बने हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एस्को स्पोर एक एस्कस में, एक एस्कस मतलब एक रचना जो है फ्रूटिंग बॉडी जो है एस्कस, यहाँ पर एस्कस क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गया। बेसिडियम क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें आपका सेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर जो एस्कस देख रहे हो आप वो फ्रूटिंग बॉडी है, उसमें प्रत्येक एस्कस में एस्को स्पोर की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। हर एस्कस में आपका आठ ही एस्को स्पोर स्पोर्स बनेगा, एट। प्रत्येक एस्कस में कितना बनेगा, एट आपका क्या बनेगा, एस्को स्पोर्स। और यहाँ पर जो मियोसिस होता है उसको ब्रैकी मियोसिस कहते हैं, खास प्रकार का मियोसिस होता है। क्या होता, कैसे होता, उसको हम लोग आगे बताएंगे, देखेंगे क्लास में। तो एक खास प्रकार का मियोसिस के द्वारा एस्को स्पोर्स बनता है एस्कस में। और यहाँ एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक एस्कस में सामान्य रूप से आठ एस्को स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियम, जो बताया आपको फ्रूटिंग बॉडी है, ये अलग है। इसमें क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक जो है ना प्रोजेक्शंस या उभार ऊपर की तरफ निकलते हैं, और जिसके टिप पर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ये भी आपका यहाँ पर मियोसिस से ही बना है, ये भी आपका खास स्ट्रक्चर है। तो ये आप हम लोग देख रहे थे एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स। लेकिन वो स्पोर्स जो है ना वो समान स्पोर्स है, इसलिए उसको ज्यादा हम नहीं बताए। अब आते हैं जो लिखा हुआ है उस पर देखते हैं। एस्को स्पोर्स जो होता है उसका निर्माण आपको बताया कि एस्कस में होता है या एसी में होता है। ये जो एसी होता है वो आपका एस्को कार्प पर बनता है, या फ्रूटिंग बॉडी जो उसका होता है किसका, एसी का, उसको बोलते हैं एस्को कार्प। और एस्को कार्प में एस्कस बनता है, और उसमें अंदर बनता है एस्को स्पोर्स मियोसिस द्वारा। एस्को स्पोर्स जो होता है नॉनमोटाइल होता है, चूंकि अंदर बनता है इसलिए ये कैसा होगा, इंडोजीनस स्पोर्स होगा। बेसिडियो स्पोर्स में आते हैं, बेसिडियो स्पोर्स जो होगा उसका फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प कहते हैं, और बेसिडियो कार्प जो होता है वो आपका बेसिडिया बनाता है या बेसिडियम बनाता है, जिस पर आपका क्या बनता है, बेसिडियो स्पोर्स बनता है। दोनों में अंतर आपके पीछे फिगर में नजर आया होगा। बेसिडियो स्पोर्स जो होता है वो भी नॉनमोटाइल होता है, लेकिन वो एक्सोजीनस होता है, वो बाहर में बनता है। एक बार फिर से पीछे फिगर में हम आते हैं,
देख लीजिए यहाँ पर एक जो है ना एस्कस के अंदर बन रहा था, जबकि एक जो है ना वो आपका क्या है बेसिडियम के बाहर बन रहा है, स्टेरिग्माटा पर बन रहा है। ये एक्सोजिनस हो गया, जबकि एस्कस स्पोर्स जो है एस्कस में जो बन रहा है वो अंदर बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा इंडो स्पोर्स हो जाएगा। तो ये आपको ये दोनों में अंतर था। नेक्स्ट हम आते, ये जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका कई स्टेप में पूरा होता है या स्टेज में पूरा होता है, इसमें फंजाई में। उसका जो पहला स्टेज है वो है प्लाज्मोगैमी। क्या होता है इसमें कि दो जो है आपका हाइफी जो क्रमीय रूप में कैसा बिहेव करता है, मेल और फीमेल जैसा बिहेव करता है, प्लस और माइनस जैसा बिहेव करता है, वो आपस में चिपक जाते हैं और दोनों का जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है या साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है ना वो आपका फ्यूज नहीं करता। न्यूक्लियस के फ्यूज न करने के कारण डाइकैरियोटिक इसके रूप में एक सेल का नजर आता है, एक सेल नजर आता है, अर्थात दो आपका अलग अलग ऑर्गनिज या दो अलग अलग जो है ना हैप्लॉइड हाइफी के सेल्स आपस में जुड़कर सिंगल सेल बनाते हैं, और चूंकि दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं किया है तो उस सेल में न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। ये डाइकैरियोटिक जो है ना फेज बनाते हैं, अर्थात एन प्लस एम। दूसरा है इसमें आपका स्टेज या स्टेप कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, दो न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूजन में शामिल होता है, और जब न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज कर जाता है तो वहां पर क्या बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। ये ध्यान रखिएगा ऊपर में आपका हैप्लॉयड ही है सेल एक तरह से, लेकिन हैप्लॉयड करने से इसलिए हम वहां पर हड़क रहे हैं या हम लोग नहीं साफ कर पाते कि उसमें एन प्लस एन है, मतलब दो आपका न्यूक्लियस है जो आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कैरियोगैमी में कि दोनों न्यूक्लियाई जो है फ्यूज कर जाएगा और वो डिप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का निर्माण करेगा, अर्थात ये आपका डिप्लॉयड फेज है, जबकि ऊपर वाला क्या था डाइकैरियोटिक फेज था। अगला होता है मियोसिस। तीसरा जो स्टेप है वो है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल बना है प्रोटीन बॉडी में किसके कारण बाबू, फ्यूजन के कारण दो न्यूक्लियस के, अब उसमें क्या होता है मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं। अब कोई अगर आपसे फ्रूटिंग बॉडी बोलेगा, बार बार आ रहा है फ्रूटिंग बॉडी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वैसे स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं या माइसिलियम के उस पार्ट को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं जिसमें वेजिटेटिव हाइफी के साथ साथ डिप्लॉयड सेल होगा, जैसे बोलते वैसा वो पार्ट किसका, माइसिलियम का या हाइफी का, जिसमें डिप्लॉयड सेल भी हो वेजिटेटिव हाइफी के साथ, क्या कहलाता है फ्रूटिंग बॉडी कहलाता है। ये डिप्लॉयड जो आपका सेल है फ्रूटिंग बॉडी के साथ उसमें क्या होगा मियोसिस होता है, और इसीलिए फ्रूटिंग बॉडी जो भी होता है उसमें मियोसिस होकर स्पोर्स बनता है। ये आपको तीन स्टेप्स था इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका, फंजाई का। अब यहां पर थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं, ये जो प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी जो होता है वो आपका कई प्रकार का होता है। एक है प्लैनोगैमेटिक या प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें दो गैमेट्स जो अलग अलग स्टेन से आते हैं, अलग अलग जो है ना वो हाइफी या माइसिलियम से आते हैं,
वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं अपोजिट स्ट्रेन जैसा बिहेव करके, और फ्यूज करके वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सा है तरीका। इसमें भाई प्लानो गैमेटिक कॉपुलेशन में दो अलग अलग गैमेट्स दो अलग अलग स्ट्रेन से आते हैं, और स्ट्रेन मतलब समझिएगा वो बॉडी को बोल रहे हैं, वो जो धागा नुमा बॉडी है उसका माइसिलियम या हाइफिलियम उसका बात कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रेन से आएंगे और वो जो है कैसा बिहेव करते हैं, गैमेट जैसा तो बिहेव कर ही रहे थे, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जो है ना जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो आपका फ्यूजन हो रहा है वो भी आपका तीन प्रकार का हो सकता है। हो सकता है कि दोनों गैमेट जो मेल और फीमेल के रूप में आपस में फ्यूज किए वो देखने में एक दूसरे के हू बहु समान हो, मतलब आइसोगैमी। ऐसा हो सकता है कि दोनों जो आपके गैमेट्स हैं वो देखने में एक दूसरे के समान हो तो क्या कहलाएगा, आइसोगैमी, या एक दूसरे से अलग अलग जैसा नजर आते हो क्या कहलाएगा, एन आइसोगैमी या उगैमी। उगैमी में क्या होता है कि एक जो है ना आपका नन मूवेबल होता है, नन मोटाइल होता है, बड़ा होता है, उगैमस बनता है यहाँ पर, और दूसरा जो है ना मूव करके जाके उससे जुड़ जाता है। अब इसका ये जो है आपका प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसका रिजल्ट क्या आया, डिप्लॉयड जाइगोट। तो ये कुछ हम प्लाज्मोगैमी जो है ना वो कैसे होता है उसके लिए बता रहे थे, जिसमें पहला बताए प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, नेक्स्ट देखते। दूसरा है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, प्लाज्मोगैमी का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है, इसके बीच में भाई दोनों जो गैमिटेंजिया, दोनों जो आपका स्ट्रक्चर है जो गैमिट बना रहा था, उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है, और एक जो आपका मेल जैसा जो काम कर रहा था गैमिटेंजिया प्लस के रूप में जो काम कर रहा था, उसमें से जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो मूव कर जाता है, दूसरे गैमिटेंजिया में चला जाएगा, फीमेल गैमिटेंजिया में चला जाएगा, इसके मदद से एक छोटा सा ट्यूब नुमा रचना की मदद से, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से वो आपका जो है उसमें पिला, लेकिन वो दोनों जो गैमिटेंजियम है वो एक दूसरे को समाप्त नहीं करते, मतलब दोनों अपना अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। तीसरा है गैमिटेंजियल पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है कि दोनों गैमिटेंजिया का जो जो आपका कंटेंट है, मतलब जो मटेरियल्स है, वो आपस में फ्यूज हो जाएगा और एक सेल में बदल जाएगा, जबकि वहां पर क्या देख रहे थे, एक का जो है ना मटेरियल कंटेंट चला गया किसमें, दूसरे में, लेकिन दोनों है अपना अपना एग्जिस्टेंस रखे हुए हैं, दोनों मिलकर एक सेल नहीं बनाया। यहां पर क्या बोल रहे हैं, गैमिटेंजियल पॉपुलेशन में कॉन्टैक्ट में तो हुआ, केवल कॉन्टैक्ट हुआ इसका, उसमें चला गया। पॉपुलेशन में क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा कि एक जो आपका है गैमिटेंजिया उसका दूसरे गैमिटेंजिया के साथ जब वो जुड़ेगा तो फ्यूज कर जाएगा और दोनों मिलकर एक सेल में बदल जाएगा, ये आप म्यूकर में या राइजोफस वगैरह में देख सकते हो। जाइगोमाइसिट्स जो है ना एक आपका ग्रुप है फंजाई का, उसमें आपको ये कॉमनली मिलेगा। इसी तरह से उमाइसिट्स जो है ना उस ग्रुप में आपको गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में एक है ये सब उन सब का। अगला है स्पर्मेटिजेशन, स्पर्मेटी या स्पर्मेटाइजेशन, जैसे पढ़ो स्पर्मेटाइजेशन, मेटाइजेशन। ये जो स्पर्मेटाइजेशन है इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटिया जो होता है
मतलब नन मोटाइल जो मेल गैमिट्स है वो आपका क्या करता है, प्रोड्यूस होता है वाटर में या फिर विंड में या ऐसे समान रूप में प्रोड्यूस होता है, उसको वाटर या विंड या इंसेक्ट जो है ना वो निकाल क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और फीमेल आपका रिसेप्टिव हाइफी पे पहुंचा देता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, इसमें जो आपका नॉन मोटाइल गैमिट्स होता है मेल गैमिट या उसका हाइफ पूरा का पूरा हाइफी भी हो सकता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटियोफोर कहते हैं, स्पर्म को बनाने वाला रचना, फोर रखने वाला रचना, तो या तो स्पर्मेटिया जो स्पर्म है इसका नॉन मोटाइल स्पर्म मेल स्पर्म वो या गैमिट जिसको बोल रहे हैं वो या उसका पूरा का पूरा हाइफी स्पर्मेटियोफोर वो क्या होता है, बनता है और किसी वेक्टर के द्वारा, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे हवा हो सकता है, चाहे इंसेक्ट हो सकता है, वो फीमेल रिसेप्टिव हाइफी पर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर जाकर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस वाले रचना का निर्माण करते हैं। पक्सिनिया में समानता ये आपको नजर आएगा। ये तो था स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट जो है ना उसका नाम है सोमेटोजेनी। सोमेटोजेनी इसमें क्या होता है कि जो सोमेटिक हाइपर सेल होता है वो डायरेक्ट आपस में फ्यूज कर जाता है, यहाँ पर गैमिटेंजियम का बात नहीं है, समान है एकदम, अगल बगल के जैसा ही वो भी आपका सेल है और दो आपस में फ्यूज कर गया, तब उसको बोलेंगे हम सोमेटोजेनी, मतलब सोमेटिक बॉडी से बनने वाला। इसमें क्या होता है कि वो जो सोमेटिक हाइपर सेल है वो फ्यूज कर जाता है और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है, लेकिन इसमें गैमिट का आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ, गैमिट का जो है ना वो फ्यूजन नहीं हुआ। नेक्स्ट हम बात करते इसका उदाहरण है, और उदाहरण है अगेरिकस। अगेरिकस में आपको ये समानता नजर आएगा। कुछ बात इन नोट में हम लोग देख रहे थे, कुछ बात और है जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोट में ही। ये जो ओगैमस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एंथ्रिडियम, उसको एंथ्रिडियम कहते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको कहते हैं एस्कोनियम। हाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एस्कोनियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंथ्रिडियम कहला रहा है ये कौन, मेल सेक्स ऑर्गन, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना वो कहलाएगा इसमें क्या, एस्कोगोनियम। किसमें भाई, ओगैमस टाइप में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आपका रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है, रेट्रोग्रेसिव टाइप का। रेट्रोग्रेसिव टाइप का क्या मतलब है, एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, और रेट्रो मतलब होता है कम जाना, मतलब वैसा डेवलपमेंट जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में बदल जाए, तो कहेंगे रेट्रोग्रेसिव। देखो हम लोग का जो पढ़ाई है ना वो प्रोग्रेसिव है, हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वर्तमान में वो प्रोग्रेसिव है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोग्रेसिव, जो सिंपल सा आदमी होता है वो आपका पढ़ने लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बेईमान, दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, और जो जितना पढ़ता है ना उतना बड़ा बेईमान बनता है। देख लो ढेर सारे डॉक्टरों को देख लीजिए, जो जो आपका सुई 5 रुपया का होगा वो आपका 50 रुपया और 150-200 रुपया में लगा देते हैं। जो जो है ना जिस स्ट्रक्चर का या जिस दवा का जरूरत नहीं है, जिस जांच का जरूरत नहीं है, उसको भी लिख देंगे, उसको करवा दीजिए। और तो हम लोग जो है 2-3 जगह से कमाते हैं, एक तो आपका फी ले लिए, उसके बाद क्या किए,
उसको भेज दिए कहीं जांच के लिए, वहां से पैसा आ गया। और जो दवाएं हैं बिना मतलब वाला लिख लिख कर दवा की कंपनी से कमाते हैं, और उससे भी मन नहीं माना तो मरने के बाद उसके अंग को बेच जाते हैं। तो जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। मतलब हम लोग प्रोग्रेसिव टाइप का है। इंजीनियर देखो खूब मेहनत किया, बचपन में एकदम सीधा सरल था, बहुत बढ़िया चीज बनाता था, लेकिन जब इंजीनियर बनेगा तो ऐसा पुल बनाएगा जिसमें 50% हमारे पॉकेट में आ जाए, और वो पुल जो है ना उद्घाटन के पहले ही पड़ जा रहा है। उद्घाटन होता है और 20 साल में पुल गायब हो जा रहा है। और हम जो है ना शान से बोलते हैं कि हम आजकल के इंजीनियर हैं, आजकल के डॉक्टर हैं। हम लोगों को सोचने का जरूरत है कि हम लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं कि रेट्रोग्रेसिव हो रहे हैं। देखो रियली में प्रकृति यही कहती है कि जैसे जैसे विद्या है, जैसे जैसे हम जो है ना ज्ञानी बने, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, अपने आप को रेट्रोग्रेसिव दिखाना चाहिए। मतलब सरलता आनी चाहिए, सिंप्लिसिटी आनी चाहिए। हम आज तक नहीं समझ पाते कि जो बच्चे छोटे थे, कम पढ़े लिखे थे, अपने गार्जियन को आराम से पैर छूकर प्रणाम करते, लेकिन वैसे बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा दो चार लाइन, हाँ आईएससी कर लेते, जब बच्चा जो है ना पहला पढ़ता है तो आराम से पैर छू के प्रणाम करता है और झुकता है, दूसरा में जाता है थोड़ा कम झुकना शुरू करता है, ऐसे करते करते जब मैट्रिक पास होता है तो गार्जियन को जो है ना ठेवना तक पहुंचता है उसका हाथ, और उसके बाद जब आईएससी कर लेता है तब तो हाय हेलो वो अलग से ही प्रणाम कर लेता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद तो अपने गार्जियन को देखता तक नहीं है, मुड़ जाता है। ये कैसा प्रोग्रेस है हमको समझ में ही नहीं आता। हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, जब जैसे जैसे हमारा विकास होता है मतलब हमें ज्ञान आता है, हमें झुकना चाहिए था, सिंपल होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। तो खैर ये आपको एक फंजाई दिखाता है कि देखो हम जो है ना इस वातावरण में सबसे अच्छे तरह से एडजस्ट कर जाते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स पदार्थ को तोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप में घमंड नहीं लाते हैं। जैसे जैसे हमें प्रोग्रेस होता है हम अपने आप में सिंप्लिसिटी लाते हैं, रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस होता है। एक समान आदमी को देखो, जब तक वो आपका नेता नहीं बनता, एक नेता नहीं बनता मतलब कहीं का जो है ना उसको प्रभाव नहीं दिया जाता है, वो आपको सलाम करेगा, सबके साथ जो ना हिल मिलकर बात करेगा, लेकिन अगर उसको नगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो फिर उसको देखिए वो आपको देख के ऐसे चलेगा जैसे इस दुनिया का नहीं बल्कि कोई दूसरे ग्रह से उतरा है। और अगर विधायक बन गया तब तो कहिए ही मत, चुनाव खत्म होने के बाद अगर वो विधायक बना है भी नया नया, तब तो उसका आइठन देखिए चलेगा ना, तो लगेगा कि देह पर टूटा हुआ है, देह सीधा चल ही नहीं सकता है, वो टेढ़ा होके चले। अगर वो मंत्री बन गया फिर घमंड देखो उसको, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, फिर उसका घमंड देखो। तो हम लोगों का जो विकास है ना वो आपका प्रोग्रेसिव टाइप का होने के कारण हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कि अपने लिए तो खतरनाक कर ही लेते हैं अपने आप को, दूसरों के लिए समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। आप जिसको देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री जो है ना वो एक सामान्य नागरिक से लड़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ देख लो विधायक जो है ना वो धमकी देता है एक सामान्य आदमी को, हम विधायक हैं। अरे भाई विधायक हो आदमी पहले हो, और आप बने किसे हो, हमारे से वोट मांग के बने हो तो आप तो हमसे गरीब हो यार, मांग के बने हो यार। और उसके बाद जो है ना हम वहां पर सिंपल होने के जगह पर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ऐठन दिखाते हैं, और 5 साल 10 साल के बाद फेंके जाते हैं, कुत्ता भी नहीं पूछता। तो खैर अगर आपको चाहिए कि हम लंबे समय तक बने रहें, आज के भी समय में देखना वो डॉक्टर जिनको काफी घमंड होता है कि हम डॉक्टर बन गए हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक वैसे डॉक्टर जो सरल बनकर रहते, सिंपल बनकर रहते, वो हमेशा दुनिया में राज करते हैं, जब तक जीवित रहते हैं लोग उन्हें भगवान करते हैं। खैर हम आगे बढ़ रहे थे, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपके पास सिंप्लिसिटी आनी चाहिए, आप में घमंड नहीं आना चाहिए। आप देखो आप जो है ना आप में एकदम सिंप्लिसिटी आनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है,
कि आप जो है ना नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी जैसा जी सके, नॉर्मल आदमी जैसा बिहेव कर सके, ठीक है, ना कि जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है। तो आप जो है अभी हम आगे बढ़ते और यहां पर जो है ना सेक्स ऑर्गन क्या कुछ बात कर रहे थे उस पर आते हैं। क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे हम सेक्सुअल प्रोडक्शन में जाते हैं फंजाई का, और रेट्रोग्रेसिव होता जाता है, वो आपका सिंपल होता जाता है कॉम्प्लेक्स। अलगी से फंजाई में हम जब गए, लोगों का क्या सोचे कि अलगी से शायद फंजाई बना, और ये जो फंजाई बना है उसमें आइसोगैमी था। अलगी में आपको आइसोगैमी मिलेगा, अनआइसोगैमी मिलेगा और उगैमी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम फंजाई में पहुंचते हैं यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो है ना वो आपका लॉस होने लगते हैं, समाप्त होने लगता है और अंततः सोमैटोजेनी होने लगता है, सोमैटोगैमी होने लगता है। तो प्रकृति कहती है कि जैसे जैसे विकास होता जाए आप में सरलता आना चाहिए, लोगों को अपने अपने बॉडी से लगाने का क्षमता होना चाहिए, अपने दिल से लगाने का बात होना चाहिए, सोमैटोगैमी, समझ रहे हैं। यहाँ पूरा का पूरा बॉडी जो है ना वो जुड़ रहा है आपस में, जबकि आइसोगैमी एनआइसोगैमी या उगैमी में क्या पढ़ते हैं हम, खास स्ट्रक्चर या गैमिट जो है ना आपस में फ्यूज करते हैं, ना कि पूरा का पूरा बॉडी है। हम ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इसमें फंजाई में क्या देखते हैं कि उसका जो सेक्स ऑर्गन है वो आपका डिजनरेट होते जाता है धीरे धीरे लोअर से हायर फॉर्म के तरफ। जो सबसे विकसित आपका हो है फंजाई उसमें आपको क्या होगा सेक्स ऑर्गन धीरे धीरे डिजनरेट हो गया है। अब नीचे शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन जो किया जाता है फंजाई का डिफरेंट ग्रुप्स में, उसका मुख्य रूप से तीन आधार माना जाता है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम को लेते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम हम आगे बताएंगे भी आपको कि क्या मतलब है इससे। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम का बात करते, वो पहला आधार है क्लासिफिकेशन का। दूसरा आधार है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे स्पोर्स बन रहा है ये। तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार का है, ये तीसरा आधार है। इन तीनों आधार पर ही क्लासिफाई किया जाता है किसको, फंजाई को, ठीक है। अब हम यहां पर फंजाई को आधार है फंजाई का, पहला क्या बताया बाबू, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या माइसिलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम का बात अगर करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर कैसा बन रहा है, कैसे बन रहा है। और नेक्स्ट है फ्रूटिंग बॉडी जो है ना वो आपका किस प्रकार का है, इसके आधार पर जो है ना क्लासिफिकेशन फंजाई का किया जाता है। अगर इसमें हम ग्रुप्स में कई ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला है फाइकोमाइसिस, वो जो आपका फाइकोमाइसी है, फाइकोमाइसी जो है ना वो पहला ग्रुप है फंजाई का। दूसरा है एस्कोमाइसी, तीसरा है बेसिगियोमाइसिस और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिस। ये जो बंटवारा किया गया है फंजाई का, आधार क्या बताया गया भाई, तीन। पहला है माइसिलियम कैसा है उसका, दूसरा है उसमें जो स्पोर्स बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, और तीसरा है उसमें जो फ्लोटिंग बॉडी है वो आपका किस प्रकार का है। ये तीनों आधार है क्लासिफिकेशन का। देखो हम लोग ये अभी जो देख रहे हैं, जो बात किए थे पीछे आइसोगैमी एन आइसोगैमी वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा बात करते हैं। देखो आइसोगैमी में आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों गैमिट जो है ना एकदम एक दूसरे के सेम है, सेम टू सेम है, दोनों में फ्लैजला भी है मतलब मूव कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ आकर चिपक गए हैं, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। इसमें जो आप देख रहे होंगे कि एक को प्लस रखा गया है और एक को माइनस से डिनोट किया गया है। ये प्लस माइनस आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ही प्लस बोला जाए अगर, तो देखो
फंजाई जो होता है ना, फंजाई में साफ तौर पे हम वो मेल और फीमेल नहीं बोलते। मेल और फीमेल क्यों नहीं बोलते भाई? तो मेल और फीमेल जो है इसलिए नहीं बोलते कि उसमें जो है ना सांप जो है ना मेल और फीमेल के रूप में अलग नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। बैक्टीरिया में भी हम लोग इसका बात किए थे, वो प्लस और माइनस का बात। प्लस जहां पर होगा वो मेल है और जिसको माइनस कहा जा रहा है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो ये मेल और फीमेल आप दिमाग में रखिएगा, माइनस से किसको डिनोट कर रहे हैं? फीमेल को, और प्लस से किसको डिनोट कर रहे हैं? मेल को। दोनों एक जैसा है। तो अगर जो फर्टिलाइजेशन में यूज जो आपका इन्वॉल्व है गैमेट और दोनों एक जैसा हो तो उसको कहते हैं क्या? आइसोगैमी। और प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन पीछे बताया है आपको, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या है आपको पीछे हम बता दिए हैं। यहां पर देखो अनआइसो आपका गैमी में एक जो है ना आपका बड़ा है और एक आपका छोटा है। देखो दोनों का साइज अलग अलग है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा समानता, इसमें बड़ा जो होता है वो आपका फीमेल होती है या माइनस से जिसको डिनोट करते हैं, और जो आपका मेल होता है वो छोटा से बनाया जाता है या छोटा दर्शाया जाता है। तो अगर यहां पर माइनस प्लस नहीं लिखा हुआ हो तब भी आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि कौन मेल होगा कौन सा फीमेल होगा। जो आपका छोटा होगा वो आपका मेल है और जो आपका बड़ा है वो आपका फीमेल है यहाँ पर। जबकि आइसोगैमी में दोनों समान, एन आइसोगैमी मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है वो आपका नर्मोटाइल हो जाती है और वो आपका पैरेंटल बॉडी से जुड़ी रहती है, जबकि मेल जो होता है वो आपका मोटाइल रहता है और मूव करके वहां पर आता है। अब ये जो आपका मोटिलिटी है किसी भी तरह से हो सकता है, हवा से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, या किसके कारण? वाटर में हो सकता है, वाटर के कारण हो सकता है। अगला है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या बताए थे कि ट्यूब बनता था और एक का जो है ना वो आपका फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा एक का जो मटेरियल था कंटेंट था देखो दूसरे में चला गया है, ठीक है। जिसमें चला गया है उसको बोलेंगे ऊगोनियम, और जिसमें से जाएगा मतलब जो मेल वाला होगा उसको बोलेंगे एंथ्रिडियम। दोनों के शेप में भी आप अलग अलग देख रहे होंगे, ये पूरे के पूरे गोलाकार होता है, जबकि वो जो आपको नजर आ रहा है एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम में आप देखेंगे उसका शेप जो है ना वो आपका मैंगो जैसा कुछ हद तक है। नेक्स्ट है ये हो गया गैमिटेंजियल। दोनों देखो दोनों अपना अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन मटेरियल इसका निकलकर उसमें जा रहा था। अगला है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें देखिए दोनों जो गैमिटेंजिया है वो आपका आपस में फ्यूज हो जाएगा या हो रहा है और अंततः एक सेल में बदल जाएगा, मतलब ये अलग अलग एग्जिस्टेंस अंत में बनाए नहीं रख पाते। ये आपको प्लाज्मोगैमी देख रहे थे हम कुछ एक किसमें फंजाई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते अब हम जो फंजाई का क्लासिफिकेशन किए थे उसमें थोड़ा सा और देखते हैं। फंजाई जो होता है उसको कम से कम चार ग्रुप में तो आराम से बांट ही सकते हैं। आपको बताया इसका क्या कैरेक्टर था या क्या कारण था, ये तो पीछे हम लोग देखे थे। इसमें पहला है फाइकोमाइसिट्स, दूसरा है एस्कोमाइसिट्स, तीसरा है बेसिडियोमाइसिट्स, चौथा है ड्यूटेरोमाइसिट्स। तीन कैरेक्टर के आधार पर इनको आपको चार ग्रुप में बांटा गया है फंजाई को या यूमाइसिट्स को। ये जो फाइकोमाइसिट्स है उसको भी दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक है ऊमाइसिट्स और एक है जाइगोमाइसिट्स। ये जो ऊमाइसिट्स है या जो जाइगोमाइसिट्स है इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे देख लेंगे। अभी फिलहाल कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे आप लोग में से अधिकांश लोग नए थे और कुछ एक जो है ना दिक्कत भी हो रहा था। अब हम थोड़ा सा पैटर्न बदल रहे हैं, प्रत्येक जो है ना पढ़ाई में
बीच बीच में जो है ना कुछ क्वेश्चंस देखते चलेंगे, हाँ, जो पीछे का होगा या इस चैप्टर से संबंधित होगा। देखो एक क्वेश्चन है, द एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई, क्वेश्चन आ जाएगा कि फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन बनता है। ऑप्शन भी हो सकता है, हो सकता है कि ऑप्शन दे दे, मेडिकल में आप देखे हुए, तो कौन कौन होगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। मान लेते हैं चार को ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से कौन सा जो है ना सेक्सुअल स्पोर्स है या कौन सा एसेक्सुअल स्पोर्स है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल स्पोर्स में तीन है प्रमुख, कोनिडिया है, स्पोरेंजियोफोर है, स्पोर्स है स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स, तीन प्रकार के इसका एसेक्सुअल स्पोर्स है मुख्य रूप से। सेक्सुअल स्पोर्स का अगर बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स भी कई तरह के होंगे, लेकिन तीन इसमें भी प्रमुख है। पीछे हम लोग देखे थे एक ऊ स्पोर था, एक अस्को स्पोर्स था और एक बेसिडियो स्पोर्स था। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन है, तो हम आराम से बता देंगे, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। अब है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या ग्रुप इंटरमीडिएट होता है अल्गी और फंजाई के बीच में, तो आराम से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स जो होता है, जैसा कि नाम है फाइकोमाइसिट्स, फाइको शब्द आता है अल्गी के लिए और माइसिट्स शब्द जो है ना वो समानता फंजाई के लिए यूज होता है। तो वैसा अल्गी और फंजाई का मिला जुला ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों का कैरेक्टर है उसको क्या बोल रहे हैं, फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स है इंटरमीडिएट किसके बीच में भाई, अल्गी और फंजाई के बीच में। नेक्स्ट, फंजाई जो है उसमें सबसे एडवांस ग्रुप कौन होता है, तो इसका आंसर है बेसिडियोमाइसिट्स। फंजाई का सबसे एडवांस जो ग्रुप हो है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो फंजाई का ग्रुप होता है उसमें आपका कौन सा ग्रुप है जिसमें जो आपका सेक्स ऑर्गेन होता है वो डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स में क्या देखा जाता है कि जो आपका सेक्स ऑर्गेन होता है वो आपका डिजेनरेट कर जाता है। ऐसा तो डिजेनरेशन कई में होता है लेकिन कई स्टेप्स जो है ना इसमें साफ साफ नजर आते हैं कि कैसे जो है ना सेक्स ऑर्गेन आपका डिजेनरेट हो रहा है, मतलब सभी जो स्टेप्स है कैसे वो आपका खत्म हो रहा है वो सब के सब इसमें इसमें एस्कोमाइसिस में नजर आएंगे। नेक्स्ट, फंजाई का वो ग्रुप जिसमें आपका सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं बेसिडियोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिस फंजाई का वह ग्रुप है जिसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। फिर फंजाई जो है ना, कौन सा ग्रुप है फंजाई का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें सेक्स ऑर्गेन नहीं है और यहाँ पर बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ड्यूटेरोमाइसिस जो होता है जिसको फंजाई इम क्या बोलते हैं, इम परफेक्टाई कहते हैं, फंजाई इम परफेक्टाई, उसमें आपका क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जबकि बेसिडियोमाइसिस में सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। कौन सा फंजाई समूह फंजाई और प्रोटोजोआ के बीच में इंटरमीडिएट जैसा काम करता है या इंटरमीडिएट होता है, तो मिक्सोमाइसिस या स्लाइम मोल्ड, पीछे देखे थे मिक्सोमाइसिस या स्लाइम मोल्ड को हम फंजाई और किसके बीच में, प्रोटोजोआ के बीच में क्या मानते हैं, इंटरमीडिएट मानते हैं। कौन सा फंजाई है जिसमें सेल वाल नहीं होता है, पीछे पढ़े थे मिक्सोमाइसिस या स्लाइम मोल्ड, उसमें आपका सेल वाल नहीं था। नेक्स्ट है, कौन सा फंजाई ग्रुप है जो
फंजाई और बैक्टीरिया के बीच का इंटरमीडिएट है, तो वो है एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस जो है वो कॉमन उदाहरण है या इंटरमीडिएट है किसके बीच का, फंजाई और बैक्टीरिया का, पीछे देख चुके हैं सर। नेक्स्ट जो बात है, स्लाइम मोल्ड में एक एक कैरेक्टर बताना है हमको जो कि वो फंजाई क्यों है, प्लांट क्यों है, एनिमल क्यों है, ये सब जो है ना आपको रीजन एसेसमेंट में मदद करेगा, प्लस मल्टीपल चॉइस जब देखोगे तो वहां पर भी ये मदद करेगा। सिंगल कैरेक्टर जो होता है स्लाइम मोल्ड का फंजाई जैसा, वो है उसका फूटिंग बॉडी। जैसे फंजाई में फूटिंग बॉडी बनता है ना, उसी तरह से स्लाइम मोल्ड जो होता है उसमें भी फूटिंग बॉडी पाया जाता है, ठीक है, या बनता है। नेक्स्ट जो इसमें आपका प्लांट लाइक कैरेक्टर है वो क्या है, इसके जो स्पोर्स होते हैं उसमें सेल वाल पाए जाते हैं, ठीक है। फंजाई जैसा क्या हो गया कैरेक्टर इसका, इसमें फ्रूटिंग बॉडी पाया जाता है, ठीक है, या बनता है। प्लांट जैसा हो गया, इसमें जो सेल वाल होता है वो क्या होता है, स्पोर्स में पाया जाता है, मतलब स्पोर्स में सेल वाल पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स में क्या आ जाएगा, कि जो प्लाज्मोडियम है उसमें सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। ये उसका कौन सा कैरेक्टर है, ये उसका एनिमल कैरेक्टर है कि प्लाज्मोडियम या बॉडी जिसको बोल रहे थे उसमें आपका नहीं पाया जाता है क्या, सेल वाल, जबकि स्पोर्ट्स में सेल वाल का पाया जाना ये प्लांट का कैरेक्टर है। अगला है पारा माइलन जो होता है वो आपका रिजर्व फूड है, किसमें पाया जाता है, तो इग्नोआ जो हम लोग अभी पीछे के जो है समूह में पड़े थे, यूग्लिनोइड, यूग्लिना जैसा, तो इग्नोआइड जो होता है उसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको कहते हैं पारामाइलन। नेक्स्ट कौन सा आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट है जिसको हम वर्लिंग वीप्स कहते हैं, तो वर्लिंग वीप्स जो है वो कहा जाता है डाइनोफ्लैजेलेट्स को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्लैजला होता है वो आपका दो होता है और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, एक सीध में है तो एक आपका ट्रांसवर्स में है, तो इसलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है वर्लिंग वीप्स। तो ये हम लोग जो है ना कुछ आज का पढ़ाई में देख रहे थे, कुछ फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके ग्रुप्स के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस देखे हैं। अगर किसी बच्चा को कुछ पूछ